तो दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म कृष्णा की लव स्टोरी। ये 2016 की तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय हनु रघुवापुदी। तो बात करते हैं कि ये जो फिल्म है यानी कि कृष्णा की लव स्टोरी, क्या ये हमें इम्प्रेस भी कर पाती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इस फिल्म की जो कहानी है वो है कृष्णा की, जिसको प्यार होता है महालक्ष्मी से, लेकिन वो कभी इस प्यार का इजहार उसके घर वालों के सामने कर नहीं पाता है, क्योंकि जो महालक्ष्मी के घर वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, और उसका जो भाई है, महालक्ष्मी का भाई, वो थोड़ा सा डेंजर किस्म का इंसान है। इसी वजह से जो कृष्णा है वो हमेशा डरा डरा सा ही रहता है महालक्ष्मी के भाई से, क्योंकि अगर उसने कुछ गड़बड़ी कर दी तो हो सकता है कि उसका भाई उसको कर दे। तो इसी वजह से वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो इन सब लफड़ों से दूर रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके बाद महालक्ष्मी का प्रेशर बन जाता है कृष्णा पे कि अगर कृष्णा उनके घर वालों से जाकर बात नहीं करता है तो फिर हो सकता है कि मामला यहाँ पर गड़बड़ हो जाए और कृष्णा का प्यार अधूरा ही रह जाए। यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा होता है, कृष्णा प्लानिंग बना रहा होता है कि वो महालक्ष्मी के घर वालों से जाकर बात करेगा, लेकिन इसी बीच रात में कुछ ऐसे घटना हो जाती है जिसके बाद वो जो महालक्ष्मी का परिवार है एक तरीके से बिखर सा जाता है। और क्यों होता है, किस वजह से होता है, आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, और वहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनकी जान खतरे में है, और उसी बीच जो महालक्ष्मी का भाई है वो कृष्णा से मिलता है, और उसके बाद वो जो सारे बच्चे होते हैं उनकी, तीन बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है वो कृष्णा पर सौंपता है कि अगर इन तीन बच्चों को अगर तुम सही सलामत उनके घर वालों तक पहुँचा दो, यानी कि ACP श्रीकांत के पास अगर पहुँचा दो, तो मैं तुम्हारी शादी महालक्ष्मी से करवा दूंगा। तो उसकी तो एक तरीके से लॉटरी लग जाती है, लेकिन उसको असल में पता नहीं रहता है कि एक तरीके से उस पर मुसीबत ही आने वाली है, जिसके बाद अब देखना ये है कि क्या वो जो बच्चे हैं वो सही सलामत अपने घर पहुंच भी पाएंगे या नहीं, और वो लोग कौन हैं जो इन बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, इनके जान के दुश्मन बन गए हैं, और ये जो महालक्ष्मी का परिवार है इनके साथ ये जो घटना हुई आखिर वो क्यों हुई, किस वजह से हुई। इसके अलावा आखिर में कृष्णा और महालक्ष्मी ये दोनों आपस में मिल भी पाएंगे या फिर नहीं, या फिर कृष्णा की जो लव स्टोरी है वो अधूरी ही रह जाएगी, यही हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि गेस करना कोई बड़ी बात है, क्योंकि लव स्टोरी वाली फिल्मों में एंड में क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। तो बात करते हैं कि क्या ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं। तो क्या इस फिल्म में कुछ हमको नया देखने को मिलता है? जी नहीं। क्या इस फिल्म में हमको कुछ अलग देखने को मिलता है? जी नहीं। फिल्म में हमको वही रेगुलर जो आप रोमांटिक फिल्म में देखते हो बिल्कुल वैसा ही हमको देखने को मिलता है, और इस फिल्म में कुछ नया कुछ अलग तो नहीं है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही बोरिंग है, स्लो है, हल्के फुल्के कॉमेडी के कुछ सीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि ठीक ठाक है, इसी वजह से फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है उसको आप आसानी से हजम कर लोगे। लेकिन यहाँ पर फिल्म में अगर कुछ मज़ेदार है, अच्छा है, जब मैंने आपको जैसा कि बताया वो जो बच्चे हैं, जब कृष्णा उनको बचाने की ठान लेता है, इसके बाद फिल्म थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बच्चों के साथ वो जिस तरीके से आगे बढ़ता है, जिस तरीके से उनको बचाता है, तो वो जो हमको देखने को मिलता है वो थोड़ा बढ़िया है, वो थोड़ा अच्छा है, उस वजह से ये फिल्म थोड़ी सी अलग हो जाती है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और देखने लायक मज़ेदार फिल्म हो जाती है। वरना अगर इस पार्ट को छोड़ दें, बच्चों को बचाने वाला पार्ट, तो इसके अलावा इस फिल्म में कुछ भी खास, कुछ भी नया, कुछ भी अलग, कुछ भी बढ़िया है नहीं। और मैंने इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था कि ये नानी की बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में से एक है, जो कि मुझे कहीं से भी लगा नहीं इस फिल्म को देखकर। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो इस फिल्म ने मुझे डिसअपॉइंट ही किया, क्योंकि इस फिल्म से मैंने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी कि इस फिल्म में हमको कुछ अलग ज़रूर देखने को मिलेगा, या फिर कुछ अलग ट्विस्ट टर्न्स सरप्राइजेस हमको देखने को ज़रूर मिलेंगे, जो कि मुझे इस फिल्म में देखने को मिला नहीं। कहानी के नाम पर आपको इस फिल्म में कुछ नया कुछ अलग तो देखने को नहीं मिलता है, हालांकि इस फिल्म के सेकेंड हाफ में थोड़ा सा अच्छा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से आप इस फिल्म को एंजॉय करोगे। ज़्यादा ट्विस्ट एंड सरप्राइजेस भी है नहीं इस फिल्म में, हैं लेकिन वो इतने कुछ बढ़िया नहीं है कि जिसको देखकर आपको मज़ा आए। तो मतलब ये मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक देखने लायक फिल्म है, अगर आपके पास ढेर सारा समय है या फिर आपको रोमांटिक फिल्में देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो ये फिल्म आप देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा कुछ उम्मीद मत करना कि कुछ अलग ही तरीके की रोमांटिक फिल्म आपको देखने को मिलेगी, तो जी नहीं, ये उस तरीके की फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। तो इस फिल्म से आप ज़्यादा कुछ उम्मीद ना ही रखो तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों जहां तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 5 out of 10 stars। बाकी अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस फिल्म के बारे में, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी ऐसी मूवी के रिव्यू के साथ में। जोहार।